नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मिनी माता गर्ल्स कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने फैशन शो में हिस्सा लिया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं द्वारा कॉलेज कैंपस में रैप वॉक के माध्यम से अपने अंदर छिपी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्राओं को रंगोली पेंटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ इन गतिविधियों में भी हिस्सा लेकर अपना हुनर दिखा सकती है। प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्राचार्य शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा। सर, यहाँ बच्चे लोग का आज कार्यक्रम किया गया है आपके द्वारा, तो सर उसमें बच्चे लोग किस तरह से अपना हुनर दिखा रहे हैं? ये युवा अभिव्यक्ति और पुरस्कार वितरण समारोह के अंतर्गत ये 3 दिवसीय प्रतियोगिताएँ कुछ चल रही हैं, जिसमें रंगोली है, केस सज्जा है, सलाद प्रतियोगिता है और मेहंदी और कुछ नृत्य वगैरह भी है। ये सब कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। ये छात्राओं के अध्ययन के साथ साथ में ये और बहुत चहुमुखी विकास के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक हिस्सा है महाविद्यालय में, अतिरिक्त जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो होते हैं ना, उसके एक भाग होता है, जिसमें छात्राएं सब अपनी सहभागिता दिखाती हैं, अपने जो भी छिपा हुआ जो कौशल है, हुनर है, उसका प्रदर्शन करती हैं। संवाददाता मनोज दिनकर की रिपोर्ट।